भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख कंपनियों में से एक टाटा सन्स के 86 वर्षीय चेयरमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर को निधन हो गया। रतन टाटा उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। पिछले सप्ताह उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनका अंतिम समय आ गया और वे अपने चाहने वालों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनके निधन के बाद उनका आखिरी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। जो भी इसे देख रहा है उसकी आंखें नम हो जा रही हैं। लोग इस वीडियो को देखकर रतन टाटा के योगदान, उनके बेहतरीन नेतृत्व को याद कर रहे हैं। ये वीडियो 19 अगस्त 2023 का बताया जा रहा है, जब उद्योगपति रतन टाटा को उनके आवास पर उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने खुद रतन टाटा के आवास पर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया था, क्योंकि वह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सकते थे। उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ फेक खबरें भी सामने आई, जिसका रतन टाटा ने खुद खंडन किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए खुद के स्वस्थ होने की जानकारी अपने चाहने वालों को दी थी। रतन टाटा ने लिखा था, मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में हाल ही में फैल रही अफवाहों से अवगत हूँ। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये दावे निराधार हैं। मैं फिलहाल अपनी उम्र और सेहत संबंधी जरूरी चिकित्सा जांच करवा रहा हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि जनता और मीडिया गलत सूचना फैलाने से बचे। इस पोस्ट के बाद उनके निधन की खबर से देश स्तब्ध है।